हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। तो मैं हूं नंदिनी और मैं अपने चैनल पर देती हूं नई नई रेमेडी और मेकअप से जुड़ी जानकारी। तो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है गाइस, क्योंकि आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूं कि आप एक अच्छा सा स्किन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग फेस मास्क कैसे बनाएंगे, जिसे हम पील ऑफ मास्क कहते हैं गाइस। तो चलो गाइस, रेमेडी की तरफ आ जाते हैं। गाइस ये देखिए, ये है चुकंदर और मैं क्या करूँगी, इस चुकंदर को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लूँगी और फिर मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं ये पील ऑफ मास्क तैयार करूँगी। तो गाइस, ये मैं आधी चुकंदर ले लूँगी जो मेरे फेस के लिए काफ़ी है, जैसे मैं चक्कू से कट कर लूँगी और अब मैं इसे करूँगी कद्दूकस। तो ये देखो गाइस, मैंने आधी चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसे छलनी में छान के रस निकाल लूँगी इसका। तो ये देखो गाइस, ये मैं चुकंदर निकाल लूंगी छलनी में। मैं बेटर रेमेडी बना रही हूँ। तो ये देखो गाइस, इस तरीके से आप दबा दबा के इसका रस निकाल लेंगे। ये देखो, ये देखो, इसमें ये रस तैयार हो रहा है जो हमारे फेस के लिए काफी है। आप इसे चाहें तो पूरा फुल बॉडी यूज कर सकते हैं। देखो गाइस, ये मैंने रस निकाल लिया है और अब मैं इसमें क्या क्या मिलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगी आधा चम्मच मुल्तानी पाउडर, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटनेस देगा और टाइटनेस देगा। तो यहाँ मैं निकाल लूंगी, ये देखो, ये इतना थोड़ा सा और ले लेंगे गाइस, समथिंग आधी चम्मच के बराबर। तो ये मेरा मुल्तानी पाउडर डल गया है बेटा। नमक है? ये नमक नहीं है बेटा। हाँ? नो, ये अब्बा है। हाँ, अब्बा है, दे दो। और गाइस, अब मैं इसमें जो दूसरी चीज डालने वाली हूँ वो मैं डालने वाली हूँ सैंडल, यानी चंदन फेस पैक। तो इसको भी मैं आधा चम्मच ही डालूंगी गाइस। ये देखो, ये इतना आप ये फेस पैक डालेंगे। और अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। ये देखो, रोज वाटर और ये चुकंदर का रस मिला के गाइस क्या होगा कि हमारे फेस पे एक पिंक स्किन टोन आ जाएगा। और अब जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं मिलाने वाली हूँ गाइस, ये एवर यूथ का पील ऑफ मास्क। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे गाइस। ये सिर्फ इसके हमको सिर्फ सपोर्ट चाहिए गाइस, ताकि हमारा पील ऑफ मास्क बन जाए। हाँ बेटा, ये पिंक कलर है। तो ये देखो गाइस, ये अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी इसमें जो ये मैंने पील ऑफ मास्क डाला है गाइस। तो ये क्या करेगा, ये एक अच्छी लेयर बना देगा फेस पे। तो इसको हम अच्छी से गाइस मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं, तभी वो एक अच्छे से फेस मास्क बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस देखिए आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तुम वीडियो बना रही हो, तुम वीडियो बना रही हो। इस तरीके से गाइस हम लोग ये मिक्स कर लेंगे। सॉरी गाइस, मेरी गुड़िया बीच बीच में बहुत तंग करती है। ये देखो, इस तरीके से ये मास्क तैयार हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कुछ सिर्फ सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे गाइस। ये देखो, ये मास्क तैयार हो गया है। और इसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ गाइस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने चुकंदर को कद्दूकस किया था उसको मैं अपनी हथेली पर ले लूँगी, ये देखो इस तरीके से। और इसका हम करेंगे अपने फेस पर स्क्रब। तो इसकी सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे गाइस, तो ये मैं, मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा है, आप इसमें हल्का सा मिक्स करेंगे, ये देखो इतना, ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये स्किन पर रगड़ने में आसानी से रगड़ जाए हमारी स्किन पर। और इसे हम कर लेंगे मिक्स इस तरीके से, ये देखो। और सबसे पहले हम इसका स्क्रब करेंगे, ये देखो इस तरीके से। आपकी स्किन अगर ब्लेमिश भी हो रही होगी गाइस, या काले दाग धब्बे हो रहे होंगे, तो ये रेमेडी उनको दूर करेगी और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है गाइस। तो ये देखो, आप इसकी कम से कम, जब तक आपका वो पैक रखा है तैयार हुआ, तब तक आप इसकी मसाज करेंगे और पूरे फेस से लेके आप गर्दन तक इसकी मसाज करेंगे। देखो गाइस, इस तरीके से इसे ले लेंगे। पूरा तरीके से आप इसकी 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम मसाज करेंगे गाइस। तो
गाइज ये देखो मैंने इसकी 10 से 15 मिनट मसाज कर ली है और अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो गाइज ये हमारी स्किन को ब्राइटनेस तो दे गई लेकिन उसी के साथ साथ स्किन पर एक पिंक टोन देगा गाइज, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसे निकाल दूंगी। तो देखो आपका एक ही चीज़ से दो काम हो जाएंगे, आपका स्क्रब भी तैयार हो जाएगा और आपका फेस पैक भी तैयार हो जाएगा। चलो गाइज अभी इसे क्लीन कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से मम्मी तो काकल दियो। चुकंदर के काफी सारे बेनिफिट्स हैं गाइस और स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। स्किन के ब्लेमिश दाग धब्बे सबको दूर करती है गाइस ये, अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो। और खाने में अगर यूज करेंगे गाइस तो सबसे बड़ी बात स्किन पर ग्लो के लिए ना हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए तभी गाइस। अब जो हमने ये मास्क बना के रखा था तो उसको हम फेस पे लगा लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से अच्छे से इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे ये देखो, और इसकी गाढ़ी गाढ़ी लेयर लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको ये लगाना है। तो ये देखो गाइस ये मैंने लगा के तैयार कर लिया है और मैं अपने लिप्स भी लगा लूँगी ताकि जो किनोर पे हम लोग लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं जिसके कारण कई बार क्या होता है कि एक डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है तो वो भी इस लेयर के साथ साथ के साथ रिमूव हो जाएगी गाइस। तो मैं इसे अब क्या करूँगी 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर छोड़ दूँगी, तब तक ये मतलब ये सूख जाए ड्राई होने के लिए इसे छोड़ दूँगी गाइस। सॉरी गाइस मेरी गुड़िया सुनने नहीं देती होगी। तो अब आप इसको ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे गाइस। तो ये देखो गाइस ये टाइट हो गया है और 20 मिनट इसे लगाए हुए मुझे हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो गाइस आप लोग क्या करेंगे कि घर पे आप लोग अगर घर पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस, क्योंकि कभी कभी कुछ लेडीज़ों को ऐसा होता है पील ऑफ मास्क निकालना नहीं आता है, तो मैं उसका तरीका आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसे अपने फेस से निकालेंगे गाइस। तो गाइज़ क्या होता है कि पार्लर में जो हम लोग पील ऑफ मास्क वाले फेशियल करा रहे होते हैं तो वो लोग जो जैसे कि मैं अपने पार्लर में जब करती हूँ तो मैं अच्छे से स्किन को स्ट्रेच करके निकाल देती हूँ, लेकिन क्या होता है कई बार कि खुद से लोग नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है क्या कि हमको दाने हो जाते हैं, बाल तोड़ वाली समस्या हो जाती है, वो इसी कारण होती है क्योंकि आप अपने पील ऑफ मास्क को स्किन को खींच के उसको नहीं निकाल पाते हैं, आप बस वीडियो में देखते हैं और उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस अब आप क्या करेंगे, आप ये पील ऑफ मास्क इस तरीके से तैयार करेंगे घर में और निकालेंगे कैसे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से गीला कपड़ा ले लेंगे और पूरे फेस पे इस तरीके से इसे लगाएंगे ये देखो, ताकि जो ये टाइट हो चुका है तो ये हमारे स्किन पर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसे हम गीले कपड़े से निकाल लेंगे गाइस। ये देखो काफ़ी हीट भी दे रहा है गाइस और ये बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है, तो अब मैं इसे निकालना शुरू करूँगी। ये देखो इस तरीके से बड़े ही आराम से गाइस ये मास्क निकल जाएगा और जो आपके छोटे छोटे हेयर होते हैं ना वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे गाइस। अब आप खींचते हैं तो उसमें क्या होता है काफ़ी पेन भी होता है और बाल तोड़ की तो समस्या फिर हो ही जाती है गाइस और दाने आ जाते हैं आपके, तो आप इस तरीके से इस पील ऑफ मास्क को निकालेंगे। ये देखो कितने आसानी से आराम से निकल रहा है गाइस, जहाँ जहाँ आपको टाइट लगे तो आप क्या करेंगे टॉवल को गीला कर लेंगे साथ के साथ और फिर से इसे ऐसे टैपिंग करनी शुरू करेंगे। ये देखो हाँ खेल लो, लिप्स पे से क्लीन करेंगे। देखो तेरे इतनी मंकी बोल रहा है। हाँ देखो तेरे इतनी मंकी बोल रहा है। क्या कह रहा है? देखो तेरे इतनी मंकी बोल रहा है। तो गाइस क्या करेंगे अब आप, मैंने फेस को क्लीन कर लिया है तो आप हल्का सा जेल लेंगे और इसकी मसाज करेंगे पूरे फेस से लेके गर्दन तक इस तरीके से, ताकि जो हमारे छोटे छोटे रोए निकल जाते हैं अगर उनमें जलन होगी तो वो इससे हल्की हो जाएगी गाइस और आपको आराम भी पड़ जाएगा, तो दांतों की कोई समस्या नहीं होगी गाइस। इस तरीके से आप मसाज करेंगे ये देखो हल्के हल्के हाथों से, ये देखो इस तरीके से
ये देखो गाइस ये मेरी मसाज कंप्लीट हो गई है और अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट आया इसका। तो ये देखो गाइस मैंने पानी से फेस को धो लिया है और आप खुद ही देखो स्किन अपने आप ही शाइन कर रही है। और आप इस रेमेडी को करने के बाद क्या करेंगे गाइस, आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएंगे, मॉइस्चराइजर या कोई भी कोल्ड क्रीम जो आपको सूट करती हो। और अगर आप नाइट में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप नाइट क्रीम लगा करके सोएं गाइस। तो देखो कितना अच्छा ग्लो दे रही है पूरे फेस पे। आप इसी तरीके से रेमेडी करें, बहुत अच्छी रेमेडी है गाइस और बहुत ही अच्छा काम भी करेगी। तो गाइस मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगती है। तो बाय गाइस, टेक केयर, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ गाइस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।